इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में इनपुट डिवाइस सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। अगर ये सर्विस आपके एंड्रॉयड फ़ोन में आती है और उसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो कैसे सॉल्व करें, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद हमें नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पर हमें मैनेज ऐप्स मिलती है, तो मैनेज ऐप्स को खोल लेना होगा। और मैनेज ऐप्स को खोलने के बाद हमें नीचे जाना होगा यहाँ पर। और नीचे ही जब हम जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर हमें नीचे जाने के बाद सर्विस को ढूंढ लेना है। तो यहीं कहीं पर हमें वो मिल जाएगी, हम आराम से ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइस, इसको खोल लेना है। ये सर्विसेज हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर इसका हमें क्लियर कैचेस पर क्लिक करके इसके कैचेस को क्लियर कर देना है। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज पर अगर टिक अनटिक हो उस पर टिक लगाकर ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर इनपुट डिवाइस की जो प्रॉब्लम आ रही होगी सर्विस में वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है बस इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।